अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बैगन का भरता। बैगन का भरता सभी को पसंद आता है, देख के आ गया ना आप लोगों के मुंह में पानी। आज मैं आप लोगों को बैगन का भरता बहुत ही इजीली बनाना सिखाऊंगी, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप बिल्कुल भी ना कीजिए। हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? सुरे किचन में आपका फिर से स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले हम इस तरीके का बैगन ले लेंगे, बिल्कुल गोल और बड़ा। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों कि आपका बैगन बिल्कुल हल्का होना चाहिए, इससे भुनने में बहुत ही आसानी हो जाती है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके बैगन में बिल्कुल भी छेद नहीं होना चाहिए, छेद होने से कीड़े रहने का खतरा होता है। बैगन को अच्छे तरीके से धोने के बाद इसमें कुकिंग ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने से ये फायदा होता है कि जब हम इसका छिलका उतारेंगे तो ये आसानी से उतर जाएगा। हमने बैगन में अच्छे तरीके से कुकिंग ऑयल लगा दिया है, अब हम इसे गैस में भून लेंगे। भूनने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है दोस्तों। घुमा घुमा के इसे चारों तरफ से अच्छी तरीके से भून लेंगे। इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा बैगन जो है वो भुन रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। हमारा बैगन बहुत ही अच्छे तरीके से भुन गया है, अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे और इसके छिलके को इस तरीके से उतार लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से छिलका जो है वो हमारा उतर रहा है, क्योंकि हमने इसमें कुकिंग ऑयल लगाया था इसीलिए छिलका बहुत ही अच्छे तरीके से उतर रहा है। अब हम सारे छिलकों को उतार लेंगे। सारे छिलके को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से उतार लिया है, ये देखिए, और अंदर से ये कितना क्लीन लग रहा है। अब एक चम्मच से इसको अच्छे तरीके से प्लेट में चारों तरफ से फैला लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, अंदर से ये कितना अच्छे तरीके से भुन गया है और हमारे बैगन में बीज भी बहुत ही कम है। आप भी ध्यान रखना दोस्तों, आप भी जो बैगन लाओगे उसमें बीज कम होना चाहिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। अदरवाइज अगर आपके बैगन में बीज ज़्यादा होगा तो उसे निकाल लीजिएगा। आपको इस तरीके से प्लेट में फैला लेना है। अब एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें ऑयल डाल के ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल के गर्म हो जाने के बाद इसमें जीरा ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। जीरे के भुन जाने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे और उसको भी हल्का सा भून लेंगे। प्याज ढालने के बाद इसको थोड़ा सा चम्मच से हिला देंगे और थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। प्याज हमारा हल्का सा भुन चुका है, इसमें बारीक कटा हुआ हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। इन सबको ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से चम्मच से मिक्स कर देंगे और इन सबको हल्का सा भून लेंगे। हल्का सा भुन जाने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसको भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। भुन जाने के बाद इसमें एक चम्मच नमक ऐड कर देंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और एक चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, आधा छोटा चम्मच होममेड मसाला ऐड कर देंगे। इन सब मसालों को ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से चम्मच से मिक्स कर देंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। होममेड मसाले को मैंने अपने घर पे ही बनाया है और अगर आप लोगों को होममेड मसाला की रेसिपी जाननी हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहाँ जाके आप इस मसाले की रेसिपी को देख सकते हो। मसाले के भुन जाने के बाद इसमें बैगन ऐड कर देंगे जिसे हमने बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेट में फैला लिया था और भून लिया था। बैगन ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से चम्मच से मिक्स कर देंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं और बैगन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। दोस्तों ये बैगन का भरता खाने में बहुत ही टेस्टी है और इसकी खुशबू अभी से ही आ रही है। भुने भुने बैगन की खुशबू बहुत ही शानदार आती है और खाने में भी इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। धनिया पत्ती ऐड करने के बाद इसको भी अच्छी तरीके से चम्मच से मिक्स कर देंगे। बैगन हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुका है,
अब इसमें एक छोटा चम्मच आमचूर पाउडर ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इससे बहुत ही अच्छा खट्टापन भी आता है। अब इसको चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। हमारा बैगन का भरता बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो गया है। तो आपने देखा ही ना कि हमारा बैगन का भरता कितना फटाफट बन के रेडी हो गया है। तो इसे बनाना बहुत ही ईजी है दोस्तों, तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन ये बैगन का भरता आपको और आपके परिवार वालों को बहुत ही पसंद आने वाला है और वो आपकी तारीफ करते थकेंगे नहीं। तो इस रेसिपी को बनाना तो एक बार बनता ही है। ऐसे ही मजेदार रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी करें और कमेंट्स करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करने के लिए मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरे ऐसे ही यूनिक और टेस्टी रेसिपीज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।